अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। जूनियर के जी, सब्जेक्ट अरबी। प्यारे बच्चों, आज हमें लिखना है पचीना हुरूफ लखो। क्या है हमारे असाइनमेंट में, यहाँ पर सूचना दी गई है पचीना हुरूफ लखो। इंग्लिश में है राइट द आफ्टर हुरूफ, यानी बाद वाले हुरूफ जो हम सीख चुके कि अलिफ के बाद कौन सा हुरूफ आता है तो उसे बाद वाला हुरूफ कहते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह हुरूफ लिख कर बाजू में बॉक्स दिया गया है, उसी का मतलब है बाद वाला, उसी के बाद जो हुरूफ आता हो वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला हुरूफ है ता। हम पहले हुरूफ को समझेंगे, उसी के बाद वाले हुरूफ को लिखेंगे। ता के बाद कौन सा हुरूफ आएगा तो हमें यहाँ लिखना है ता के बाद सा। तो हमें इसी तरह सा हुरूफ को लिखना है, सा से सौब, इसी तरह सा से सौब हुरूफ को लिखेंगे। हमें नुक्ता सही तरीके से लगाना है। क्या करना है, नुक्ता सही तरीके से लगाना है, इसी तरह हम सही तरीके से हुरूफ को लिखेंगे। खा के बाद, यहाँ पर खा हुरूफ है, खा के बाद आता है दाल, तो दाल से डुब हुरूफ को हम इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर क्या है अलिफ, अलिफ के बाद कौन सा हुरूफ आएगा तो हमें यहाँ लिखना है बा से बबगा, बा से बबगा। इसी तरह यहाँ पर ये है सीन, सीन से समक हुरूफ लिखा हुआ है तो अब हमें सीन के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, शीन से शजर, तो हमें यहाँ पर शीन लिखना है। दौद हुरूफ लिखा हुआ है तो हमें बाद कौन सा हुरूफ आता है, दौद के बाद तो हुरूफ आएगा तो हमें इसी तरह तो हुरूफ को लिखना होगा। यहाँ पर आयन हुरूफ लिखा हुआ है, आयन के बाद गायन, तो हमें यहाँ पर गायन हुरूफ को लिखना है अच्छे राइटिंग से। उसके बाद यहाँ पर है जिम, कौन सा हुरूफ लिखा हुआ है, जिम, जिम के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, हा से हमामा, ये है र, र के बाद जा, तो हमें यहाँ पर लिखना है जा से जबीब। ये कौन सा हुरूफ लिखा हुआ है, शीन, शीन से शजर हुरूफ लिखा हुआ है तो शीन के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, सौद से सहन, हमें इसी तरह सौद हुरूफ को लिखना है। यहाँ पर ये है तो हुरूफ लिखा हुआ है, तो के बाद जो आता है तो हमें यहाँ पर लिखना है जो से जबीब। ये सौद है, सौद के बाद दौद तो हमें यहाँ पर लिखना है दौद से दअन। इसी तरह यहाँ पर जो फिर से लिखा हुआ है, जो के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, आयन, आयन से इनब, क्या आएगा, जो के बाद आयन हुरूफ आता है। इसी तरह यहाँ पर गैन हुरूफ लिखा हुआ है, गैन के बाद कौन सा हुरूफ आएगा तो हमें यहाँ लिखना है फा से फिल, कौन सा हुरूफ लिखेंगे, फा से फिल। उसी के बाद यहाँ पर कौफ हुरूफ लिखा हुआ है तो कौफ के बाद आता है काफ, काफ से कुर्सी। यहाँ पर लाम हुरूफ लिखा हुआ है, लाम के बाद मीम आता है तो हम यहाँ पर लिखना है मीम से मिफ्ता, इसी तरह हमें हुरूफ को लिखा है। यहाँ पर ये है नून, नून से नमीर, नून के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, वाव से वर्द, वाव से वर्द, वाव से वर्द का माना गुलाब का फूल। यहाँ पर ये हा से हातिफ, कौन सा है, हा से हातिफ, तो हा के बाद हमजा आएगा, हमजा से अनफ। यहाँ पर दाल हुरूफ है, यहाँ पर ये दाल हुरूफ लिखा हुआ है तो दाल के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, जाल से जिब, हमें इसी तरह हुरूफ को लिखना है। यहाँ पर ये जा हुरूफ है, जा से जबीब, तो जा के बाद सीन हुरूफ आता है तो हमें यहाँ पर सीन से समक लिखना है। ये हा से हमामत, हा के बाद खा हुरूफ आता है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, खा से खमर, इसी तरह। तो ये काफ हुरूफ लिखा है, काफ के बाद लाम आता है तो हम यहाँ लिखेंगे लाम से लेमन, इसी तरह। यहाँ पर मीम हुरूफ लिखा हुआ है, मीम के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, नून, नून से नमीर। वाव, वाव से वर्द लिखा हुआ है, अब वाव के बाद वाला हुरूफ आएगा हा से हातिफ, टेलीफोन वाला हा। इसी तरह ये अलिफ है, अलिफ के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, बा से बबगा, तो हमें यहाँ पर बा हुरूफ को लिखना है। उसी के बाद यहाँ पर बा हुरूफ लिखा हुआ है, बा के बाद आएगी ता, ता से तुफा, और ता लिखा हुआ है तो ता के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, सा से सौब, हमें यहाँ पर सा से सौब हुरूफ को लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ
पर बाद वाले हुरूफ को लिखा, यानी कोई भी अलीफ से लेकर या तक में से कोई भी अगर हुरूफ लिखा हुआ हो और अगर बाद में इसी तरह खाली जगह या बॉक्स दिया हुआ हो, उसका मतलब के बाद वाले हुरूफ को लिखना है। तो हमें हुरूफ को समझना होगा, पहले हुरूफ को समझेंगे उसी के बाद हमें हुरूफ को लिखना है कि ये हुरूफ के बाद कौन सा हुरूफ आएगा तो हमें समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमें हमारा होमवर्क हमारी अरबी की नोटबुक में इसी तरह सूचना लगाकर उसी के बाद हमें होमवर्क करना है। तो हमारा ये होमवर्क है, हमें हमारा होमवर्क अच्छे राइटिंग से करना है। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।